दोस्तों ये एचपी का लैपटॉप है। इसका मॉडल है 13U135TU। इधर मॉडल है। तो इसका क्या है कि इसका कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड में प्रॉब्लम है। ये कीबोर्ड को चेंज करना है, तो कीबोर्ड को निकालना पड़ेगा। तो हम कीबोर्ड निकाल लेते हैं। ये चार स्क्रू निकाल लिए हैं और इधर एक स्क्रू है, उसको भी निकालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इधर एक स्क्रू है, इस स्क्रू को एक बार निकाल लेता हूँ। दोस्तों इधर में सारा स्क्रू है, इसको भी निकालना पड़ेगा।
दोस्तों ये केबल लगा हुआ है, इस केबल को सावधानी से निकालना है। ये देखिए दो केबल लगा हुआ है, तो ये दो केबल को सावधानी से निकाल लेना है। लॉक रहती है, ये लॉक को ऐसे निकालना पड़ता है। ये देखिए ये निकल गया, टच पैड और कीबोर्ड। अभी कीबोर्ड को निकालेंगे, इसको साइड में रख देता हूँ। कीबोर्ड को निकालना पड़ेगा, ये टच पैड सही है, कीबोर्ड को हम निकालेंगे। दोस्तों कीबोर्ड प्लास्टिक का रिपीट से लगा हुआ रहता है, रिपीट को तोड़ना पड़ता है तब जाके कीबोर्ड निकल आता है। इधर तीन स्क्रू हैं, स्क्रू को निकालेंगे। ये तीनों स्क्रू निकालना पड़ेगा, निकाल लिए हैं। देखिए ये टीना का जो मेटल का जो बना हुआ कवर रहता है, इस कवर को निकालना पड़ता है। ये कवर को हम निकाल लिए हैं, लगता है कि पहले कोई ने कीबोर्ड चेंज किया, इसको टेढ़ा वेढ़ा कर दिया है, तो कुछ भी जो भी हो इसको हम निकाल लिए हैं। अभी इस कीबोर्ड को निकालना पड़ेगा।
ये देखिए कीबोर्ड निकल आया है, ये है इसका कीबोर्ड। ये कीबोर्ड को चेंज करना पड़ेगा फिर से, ये कीबोर्ड, कीबोर्ड को चेंज करना पड़ेगा, तो कीबोर्ड मंगा के इसको चेंज करेंगे। दोस्तों ये लैपटॉप हम खोल के रखे थे और ये कीबोर्ड चेंज करना है, ये कीबोर्ड खराब है तो ये कीबोर्ड को हम चेंज करेंगे। तो नया कीबोर्ड हम लाए हैं, तो कीबोर्ड को नया कीबोर्ड लगाएंगे। नया कीबोर्ड लगाने के पहले दोस्तों एक काम करना पड़ेगा, इसको एक बार नया कीबोर्ड को लगा के एक बार चेक कर लेंगे तो देखेंगे कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सब बाद में लगाना पड़ेगा, पहले किसी ने रिपेयर किया था, इसको तोड़ फोड़ दिया है तो इसको हम सही से लगा देंगे। तो लगाने के पहले, फाइनली लगाने का पहले कीबोर्ड को एक बार चेक कर लेंगे कि कीबोर्ड लगाने से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये पैकेट को हम हटा देता हूँ अभी। और दोस्तों ये है नया कीबोर्ड, नया कीबोर्ड हम लेके आए हैं और ये है पुराना कीबोर्ड। ये नया कीबोर्ड हम लगाएंगे पुराना कीबोर्ड को रिप्लेस करके। तो पुराना कीबोर्ड को फिलहाल हटा देता हूँ, साइड में रख देता हूँ इधर, और ये नया कीबोर्ड को हम लगाएंगे। तो लगाने के पहले हम एक काम करेंगे, ये कीबोर्ड को हम इस प्लास्टिक में घुसा के एक बार लगा के देख लेंगे कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको प्लास्टिक में रहने देंगे, इसका पीछे मेटल का एक स्टीव रहता है तो प्लास्टिक में रख के इसको चेक करना है। ऐसे ओपन रख के मदरबोर्ड के ऊपर रखेंगे तो मदरबोर्ड शॉर्ट हो सकता है, तो ऐसे हम एक बार लगा के चेक कर लेंगे। तो इसको एक बार लगा के देख लेंगे कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इधर भी छोड़ देता हूँ और एडिटर लगा के चला के देख लेता हूँ। ये ऑन हो चुका है, अभी देखेंगे। देखिए ये काम कर रहे हैं, ये वाला की काम कर रहे हैं, स्केप भी काम कर रहा है, मतलब कीबोर्ड काम कर रहा है। तो इस कीबोर्ड को हम लगा सकते हैं, ये ठीक ही है। तो अभी इसको बंद कर देता हूँ। इसको शट डाउन कर देता हूँ। तो कीबोर्ड का की काम कर रहे हैं तो हम इसको अभी लगा सकते हैं। शट डाउन हो चुका है, अभी इसको हम लगाएंगे। हटा दिया, जो कीबोर्ड को भी खोल लेंगे। इसको अभी इसका भी जरूरत नहीं है तो इसको प्लास्टिक डाल के फिर हटा देता हूँ इसको। और इस कीबोर्ड को अभी लगाना है इसके साथ,
इसमें काम है, तो इसके साथ इस कीबोर्ड को लगाना है। फिट बैठ गया है कीबोर्ड, तो इसको अभी ठीक ठाक से लगा देना है। एक एक साइड करके हम लगाएंगे। रिपीट कर देना है। टॉर्च पैड को निकाल दिए हैं, अभी थोड़ा सुविधा होगा पकड़ने में। देखिए कीबोर्ड ऑलमोस्ट लग चुका है, ये कीबोर्ड लग चुका है।
अभी इस टच पैड को लगा देंगे। देखिए कीबोर्ड लग चुका है, अभी इस पैड को लगा देना है। पहले किसी ने इसको किया था और थोड़ा इधर उधर कर भी दिया है, टेढ़ा वेढ़ा कर दिया है इस पैड को, तो हमको मैनेज करके करना ही पड़ेगा। इसको इधर रिपीट कर देता हूँ। इसका तीन स्क्रू है, स्क्रू तीन लगा देता हूँ। इधर तीन स्क्रू लगाना पड़ेगा जो हम खोल के रखे थे, इधर लगा देता हूँ। अभी कोशिश करेंगे थोड़ा स्क्रू करने का, देखिए दोस्तों कीबोर्ड लग चुका है, पहले जैसे लगा हुआ था उससे भी अच्छा तरीके से लग चुका है ये। इसके साथ अभी लगाना पड़ेगा दोस्तों, ये है ऐसे हम लगाएंगे इसको। इसको पहले केबल लगा लेना है, देख नहीं पाएंगे।
केबल की लगा दिए हैं। अभी इसको एक बार चला के देख लेंगे। फाइनली स्क्रू करने का पहले इसको एक बार चला के देख लेंगे। ये देखिए माउस काम कर रहा है, ये माउस काम कर रहा है। तो ये टच पैड से ही काम कर रहा है। इसको बंद कर देता हूँ और कीबोर्ड को एक बार देख लेता हूँ। तो कीबोर्ड भी काम कर रहा है, तो दोनों काम कर रहा है। तो अभी हम इसको स्क्रू से लगा सकते हैं। तो इसको शॉट डाउन कर देता हूँ। दोस्तों ये शॉट डाउन हो चुका है, अभी इसको फाइनली हम लगा देंगे। टॉप कवर लग चुका है, अभी इसमें स्क्रू लगाना है। अभी इसमें स्क्रू लगा देंगे, सारा स्क्रू जैसे था वैसे लगा देंगे। तो ये पूरा बन चुका है। देखिए कीबोर्ड चेंज हो गया है और ये खराब वाला कीबोर्ड देखिए चेंज हो गया है। तो अभी इसको ऑन करके देखेंगे सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है कीबोर्ड और टच पैड।
देखिए दोस्तों, ये टच पैड चल रही है और कीबोर्ड को देख लेता हूँ, कीबोर्ड भी चल रही है। कीबोर्ड पहले का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, अभी देखिए ये टच पैड भी काम कर रहा है और कीबोर्ड भी काम कर रहे हैं। देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, कीबोर्ड भी काम कर रहे हैं और टच पैड भी काम कर रहे हैं। तो ये था मेरा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करके रखिएगा, और साथ में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, मेरा दूसरा वीडियो सबसे पहले मिलने के लिए। दोस्तों इधर सब सही वीडियो, एकदम ओरिजिनल वीडियो अपलोड किया जाता है, तो साथ में जुड़े रहिए। मुलाकात होगी दूसरा वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।